अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी उपचुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने उनके खिलाफ विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें आइटम कहा। वहीं इमरती देवी अपने बयानों को लेकर भी खासी चर्चा में रहती हैं। इमरती देवी भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बेहद करीबी मानी जाती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास कैसे बनी? दरअसल इमरती देवी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। इमरती देवी सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती थी। उस समय मोहन सिंह राठौर ग्वालियर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष थे। मोहन सिंह राठौर ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते थे और इमरती देवी मोहन सिंह राठौर की करीबी थी। उन्हीं के माध्यम से इमरती देवी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद इमरती देवी धीरे धीरे ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास बनती गईं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास बनने के बाद वो लगातार 3 बार डबरा विधानसभा से चुनाव भी जीती और यही कारण है कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना राजनीतिक गुरु भी मानती हैं। इमरती देवी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति इस तरह से निष्ठावान हैं कि जब वो मध्य प्रदेश में पहली बार मंत्री बनी थी तो उन्होंने कहा था, मैं आज जो भी हूँ महाराज के कारण हूँ। अगर महाराज मुझे सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए कहेंगे तो मैं झाड़ू भी लगाऊंगी। इमरती देवी का ये बयान काफ़ी सुर्खियों में था। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इमरती देवी अब शिवराज कैबिनेट में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और डबरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार हैं।